हरे कृष्णा, बहुत ही पावन महीना चल रहा है। ये महीना अपने आप में ही पूर्ण है और जैसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण का महीना, लेकिन वो 3 साल में एक बार आता है। लेकिन उससे भी परम कृपालु महीना कार्तिक मास जो 12 महीना में एक बार आता है, और ये महीना जो है किशोरी राधा रानी का है। भगवान श्री कृष्ण थोड़े कठोर हो सकते हैं, लेकिन किशोरी राधा रानी माँ स्वरूपा है, तो वो परम कृपालु परम दयालु है। कार्तिक व्रत क्यों करें, इसको करने से क्या फल मिलता है और किस तरह से इसको पालन कर सकते हैं? कार्तिक जो महीना है इसको सबसे पहली महिमा स्वयं पद्म पुराण में कहा गया है, इस महीना को कोई निष्ठा पूर्वक पालन करता है वो सीधे भगवत धाम को चला जाता है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई कार्तिक महीना को एक दिन भी पालन कर लेता है वो 100 यज्ञों के बराबर है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। जो व्यक्ति इस कार्तिक व्रत का पालन करता है वो भगवान का परम प्रिय बन जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है जैसे जंगल में हाथी जो है शेर के गर्जना सुनकर भाग जाते हैं, उसी प्रकार कार्तिक व्रत को पालन करने वाले व्यक्ति के सामने से यमदूत उसी प्रकार पलायन हो जाते हैं। कार्तिक महीना में कोई भजन कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, तो साक्षात उसके शरीर में सारे तीर्थ विराजमान हो जाते हैं। आगे पद्म पुराण में कहते हैं एक समय की बात थी, भगवान विष्णु सारे देवी देवता को इकट्ठा किए, सभी को बुलाकर कहते हैं कि आप लोग का अभी कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन जो पालन करता है कार्तिक व्रत का सब की रक्षा आप लोग का जिम्मेवारी बन जाता है। कोई भी व्यक्ति इस कार्तिक व्रत का पालन करता है और अपने घर में विधि विधान से भगवान की पूजा आराधना करता है तो निश्चित ही उसके घर में भूत पिशाच का कभी भी साया नहीं पड़ेगा। वृंदावन में सबसे फेमस है राधा कुंड और श्याम कुंड। राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट कार्तिक मास में ही हुआ था। घर बैठे ही आप अगर कार्तिक व्रत का पालन करते हैं तो आपको सारे तीर्थ बाय डिफॉल्ट आपको पुण्य देने के लिए आ जाएंगे कि आप मेरा भी पुण्य ले लीजिए, मेरा भी पुण्य ले लीजिएगा। ऐसे आप तपस्या करिएगा तो कम चांस है। पद्म पुराण में स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि अब दुनिया में जितना भी तीर्थ है, जितना भी धाम है, सगरो भ्रमण कर लीजिए, या जीवन भर तपस्या कर लीजिए, जीवन भर योग कर लीजिए, जीवन भर यज्ञ कर लीजिए, उस सब का फल जो है कार्तिक मास के 11वें हिस्से के बराबर है। सबसे पहले प्रयास करिए इस कार्तिक महीना में ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने का, जिसे बहुत आपको फल मिलेगा। कार्तिक व्रत में अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए। इस महीना में बिस्तर को त्याग देना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, अल्प आहार करना चाहिए, ज्यादा खाना नहीं चाहिए। इस्कॉन मंदिरों में देखते हैं अभी जैसे कार्तिक मास शुरू होता है तो लोग इतना डिटैच होते हैं कि इसमें सब कुछ त्याग देते हैं, हविष्यम खाते हैं। हविष्यम का मतलब क्या हुआ है, वो लोग जितना भी मसालेदार सब्जी, लेकिन सारा मसालेदार सब्जी छोड़ देते हैं। जितना सिंपल आप रहिएगा उतना भक्ति आपका 4 गुना बढ़ेगा। जैसे बिग बिलियन डे में ऑफर होता है ना, एक ऑफर आपके लिए मिला है कार्तिक मास, जिसे आप भगवान के आप प्रिय बन जाइएगा। बड़ा भगवान देखेंगे मैंने आपको सामने, क्यों देखेंगे भाई, एक लोग नहीं है आप, पर ब्रह्मांड 14 यूनिवर्स है, मैं लाखों करोड़ों अरबों जीव है, 84 लाख यूनि है इकल पृथ्वी पर, बाकी अतल विदर तलातल महादर असातल में तो अलग भरा पड़ा है, और सबको भगवान को देखना है, उसमें आपका नाम फ्रंट में आ जाए इतना आसान थोड़ी है। इसके लिए कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा ना, ये करना पड़ेगा क्या, कार्तिक व्रत का पालन। कार्तिक व्रत में और एक चीज करने की बहुत महत्व महिमा है, दीप दान करने का। अगर कोई भी व्यक्ति कार्तिक महीना में दीप दान करता है तो समझिए वो साक्षात उसको अष्टमेघ फल की प्राप्ति होता है। इन कहे भाई ठीक है भाई, हम पति थे, हमको आज उतना रुपया नहीं है, घी नहीं जुटा सकते हैं, दिया नहीं ला सकते हैं, हम गरीब हैं, क्या करें भाई। तब फिर भगवान कहते हैं ठीक है तुम्हारे पास इतना भी सामर्थ्य नहीं है, तो जो कोई दीप दान कर रहा है उसको तुम देख भी रहे हो ना, तुम्हारे शरीर के कह सकते हैं सारी पीड़ा ऑटोमेटिक खत्म हो गया, 84 लाख के बंधनों से तुम मुक्त हो जाओगे। कब, केवल और केवल दीप दान कोई कर रहा आप खाली देख रहे हैं, ये महिमा है। ऐसा एग्जाम्पल है जो किया है उसको फल मिल गया। एक समय की बात है स्वयं भगवान बिस्तर पर बैठे हुए थे, उनकी सबसे प्रिय पत्नी सत्यभामा उनके पास आती है और सत्यभामा भगवान से कहती है भगवान मैं आपके इतना प्रिय क्यों हो, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है मेरे लिए, जबकि आप देवराज इंद्र से भी झगड़ा कर लिए, हम एक ब्रिज क्या लाने बोले, आप जहां तहां भी झगड़ा करके चले आए। भगवान कहते हैं एक्चुअली सत्यभामा तुमने पूर्व जन्म में कार्तिक व्रत का पूर्णता से पालन किया था, निष्ठा पूर्वक से पालन किया था, इसी कारण आज तुम्हें हमारी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। ये सुन के सत्यभामा कृत कृत हो जाती है। ऐसा ऐसे अनेक उदाहरण है, इवन कहते हैं जो कार्तिक व्रत का जो पालन करता है उनका क्या कहते हैं देह गेह दोनों उसके सामने विराजमान हो जाते हैं। देह गेह मतलब क्या होता है, देह मतलब सारे शरीर का जो जितना भी कष्ट है, दुख है, बीमारी सब खत्म हो जाए। गेह मतलब है कि घर जो है
यार धन धान से परिपूर्ण हो जाएगा तथा लक्ष्मी स्वयं उसकी दासी बन के पहुंच जाएगी। स्वयं देखते हैं हमारे भागवतम में भी वर्णन आता है अम्बरीश महाराज का, उन्होंने कार्तिक व्रत का पालन किया था स्वयं ब्रज वृंदावन जाकर, तो उनका देखते हैं धनोधान वैभव की कोई कमी नहीं थी। एक बार स्वयं माँ पार्वती भी शिव जी से याचना करती है कार्तिक व्रत का पालन करने से क्या फल मिलता है। उसी समय महादेव कहते हैं कि देवी इस भौतिक जगत में दुखों से भरा हुआ ही भौतिक जगत है, सब लोग कष्ट से जूझ रहे हैं, लेकिन इस अवस्था में भी भूल चूक से भी गलती से भी कोई कार्तिक व्रत का पालन कर लेता है तो दोबारा उसको कभी नरक का दर्शन करना नहीं पड़ता। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए जितना हो सके इस व्रत का निष्ठा पूर्वक से पालन करें और भगवान के दुर्लभ प्रेम को प्राप्त कर सके।